नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब, तो लगने वाला यहाँ पे आर्टिकल इस एडवर्ब के अनुसार लगाया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का वीडियो लूसेंट हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर आर्टिकल का एक्सरसाइज 1 है, उसके लिए वीडियो बनाया जा रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को अच्छे से समझा सकें कि आर्टिकल का यूज, ए और एन का यूज कहाँ कहाँ होता है और क्या क्या उसका नियम है। हम जो भी बोलेंगे उसका नियम नीचे लिखाता जाएगा, तो आप अपने कॉपी में उसको राइट डाउन कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा और अच्छे तरीके से आप उसको समझ पाएंगे और याद कर पाएंगे। देखिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1 यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए और एन वेयर नेसेसरी, पुट अ क्रॉस मार्क वेयर ए और एन इज नॉट रिक्वायर्ड। इसका मतलब है कि ए और एन का यूज कहाँ करना है, जहाँ जरूरत है, सगर ए और एन का यूज नहीं होगा। इसके पहले हम लोग जानेंगे कि कहाँ ए और एन का यूज होगा। देखिए बचपन में आप लोग पढ़े होंगे ए ई आई ओ यू, जहाँ जहाँ आए बाबू वहाँ पे ए एन लगा देना, बाकी सगर क्या लगाना है, ए का यूज करना है। जहाँ ए ई आई ओ यू है ए एन, बाकी सगर ए का यूज करना है। लेकिन अब यहाँ पे इसका यूज बिल्कुल नहीं है। अब जैसे आप लोग जैसे जैसे हायर क्लास में जाते हैं आर्टिकल का रूल बदलता है। अब आपको जो यूज करना होगा वो हिंदी के स्वर वर्ण ओ से लेके अह के बीच जो प्रोनाउंसिएशन आएगा उसके अनुसार आपको आर्टिकल ए और एन का यूज करना है। मोटा मोटी मतलब ये है कि अगर हम किसी वर्ड को पढ़े और उसका प्रोनाउंसिएशन ओ से लेके अह के बीच आता है तो आर्टिकल ए एन लगाएंगे, बाकी नहीं लगाएंगे। ये तो हो गया पहली बात। दूसरा बात यह है कि आर्टिकल का यूज आप लोगों को दिखाई दे रहा है नहीं। दूसरा बात यह है कि आर्टिकल का यूज दोस्तों सिंगुलर काउंटेबल नाउन में करते हैं। सिंगुलर काउंटेबल मतलब कि भैया जिसको आप गिन सकते हैं और जो एक हो उसी के पहले आर्टिकल ए और या फिर एन का यूज करते हैं, क्योंकि ए और एन का हिंदी एक होता है। मतलब जो प्लूरल है उसमें ए और एन का यूज नहीं करना है, ठीक है, जाहिर सा बात है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। नंबर 1 लिखा हुआ है एनसीसी कैडेट, कि पेशा से जुड़े मतलब कि नेम ऑफ द प्रोफेशन, पेशा के नाम के पहले इंडिफरेंट आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। तो इसका प्रोनाउंसिएशन एन जो कि ए हो रहा है, ओ से आ के बीच में है ना, तो आर्टिकल ए एन का यूज करेंगे, ओ से लेके आ के बीच आर्टिकल ए एन। नंबर 2 एस पी, एस उच्चारण क्या हो रहा है, ए से ना ओ से आ के बीच में है, आर्टिकल क्या लगाइएगा ए एन, यहाँ भी क्या हो जाएगा ए एन। नंबर 3 है ओनियन, ओनियन जो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ओ प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है ओ, आप लोग ए ई आई ओ पे ध्यान नहीं देंगे, प्रोनाउंसिएशन समझेंगे। ओनियन का प्रोनाउंसिएशन ओ जो कि ओ से लेके आ के बीच का है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एन। नंबर 4 क्या बोले हैं, सिंगुलर काउंटेबल होना चाहिए, ये क्या है प्लूरल है, यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। नंबर 5 है यूरोपियन, तो आप लोग यह समझे कि किसी भी देश के नाम के पहले, राज के नाम के पहले, शहर के नाम के पहले, दिन के नाम के पहले और महीने के नाम के पहले प्रॉपर नाउन होता है ये सब, इसीलिए इसके पहले हम लोग किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। किसी भी नहीं मतलब आर्टिकल इंडिफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ यूरोप में रहने वाले देशवासी क्या होंगे, यूरोपियन देशवासी, जैसे इंडिया में रहने वाला इंडियन, तो इंडिया के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ए और एन नहीं लगाते हैं, लेकिन इंडियन के पहले लगाते हैं, तो यूरोपियन के पहले क्या हो जाएगा ए, क्यों हो जाएगा, उच्चारण क्या हो रहा है यो, जो कि ओ से आ के बीच में बिल्कुल नहीं है, तो आप लोग आर्टिकल ए का यूज करेंगे। नंबर सिक्स समझिए क्या है, ऑनरी जॉब। देखिए अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, अगर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आए मतलब कि तारीफ करने वाला है, तो आर्टिकल आपको इस एडजेक्टिव के अनुसार लगाना है। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है ऑनरी, ओ मतलब कि आर्टिकल ए एन, ओ से लेकर आ के बीच में है। नंबर 7 क्या लिखा हुआ है, देखिए ऑनरी जॉब्स, हम क्या बोले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले अगर कोई एडजेक्टिव आता है तो आर्टिकल उस एडजेक्टिव के अनुसार लगाएंगे, लेकिन यह क्या प्लूरल है, इसके आगे आर्टिकल का यूज नहीं होगा क्योंकि इसको हम लोग काउंट ही नहीं कर सकते, भाई प्लूरल है ये। नंबर 8 क्या लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, लाइब्रेरी कहाँ का है यूनिवर्सिटी, उच्चारण क्या हो रहा है यो, इसके पहले आप लोग ए लगाएंगे या फिर एन लगाएंगे, इसके लिए साइड सा बात है सर ए लगाएंगे, क्यों, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन ओ से लेके आ के बीच का नहीं है।
आगे 9 नंबर लिखा हुआ इंजीनियर। अभी हम बताए हैं कि पेशा, नेम ऑफ प्रोफेशन के पहले आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। इंजीनियर प्रोनाउंसिएशन क्या है, ई, जो कि ओ से अ के बीच में है, तो आर्टिकल आपने क्या यूज करनी है, ए एन। नंबर 10 लिखा हुआ है यू, इसको आप लोग यू नहीं पढ़ेंगे, इसको यू पढ़ते हैं। इसका हिंदी मादा भेद होता है यो, जो कि ओ से अ के बीच में नहीं है, तो आर्टिकल हम लोग ए का यूज करेंगे। नंबर 11 एफ ओ, ठीक है, एफ ओ का बहुत सारा यूज होता है। अगर फ्रेंडशिप में करेंगे तो एफ ओ का मतलब फ्रेंडशिप ओवर होता है, ठीक है, तो बहुत सारा चीज है एफ ओ का, आपको चार समझना। एफ ओ, एफ ए, एफ ए से शुरू है ना, जो कि ओ से आगे बीच का है ना, तो आप लोग क्या लगाइएगा, एन एफ ओ। नंबर 12 क्या लिखा हुआ है, फॉरेस्ट ऑफिसर, ऑफिसर जो कि कॉन्टेबल नाउन है, उसके पहले बताया जा रहा है एडजेक्टिव ऑफिसर कहाँ का है, फॉरेस्ट ऑफिसर है, तो आर्टिकल इज फॉरेस्ट, फॉर, ओ से आ का बीच नहीं है, तो आप लोग आर्टिकल ए लगाएंगे। नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, यूलिजिस्ट, क्या लिखा हुआ है दोस्तों, यूलिजिस्ट, उच्चारण यो हो रहा है, तो आर्टिकल क्या लगाइए, उच्चारण क्या है, यो, ओ से आ का है नहीं, जाहिर सा बात है सर, ए लगाएंगे। नंबर 14 लिखा हुआ है यूजफुल मेडिसिन, मेडिसिन जो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसके पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब जो तारीफ करने वाला है, हिंदी में जिसको हम लोग विशेषण बोलते हैं, तो यूजफुल, उच्चारण क्या हो रहा है, यो, क्या ओ से अ तक में है यो, बिल्कुल नहीं है, तो आप लोग आर्टिकल ए का यूज करेंगे, ठीक है। आइए हम लोग आगे देखते हैं क्या नेक्स्ट देखते हैं, 15 नंबर, 15 नंबर क्या लिखा हुआ है, भैरी है, तो देखिए अगर किसी नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव, मान लीजिए यहाँ हम लिखे हुआ है, अगर कोई नाउन है उसके पहले कोई एडजेक्टिव मतलब तारीफ करे उसका, मान लीजिए लिख दिए गुड बॉय, तो नाउन के पहले क्या हो गया सर, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का भी कोई तारीफ करे, गुड कैसा है? मतलब वेरी, बहुत गुड, तो नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब, तो लगने वाला यहाँ पे आर्टिकल इस एडवर्ब के अनुसार लगाया जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग यहाँ देखेंगे वेरी हाई, हाई जो कि एडजेक्टिव है, भैरी जो कि एडवर्ब है, लेकिन यहाँ नाउन का आता पता नहीं है, तो सिर्फ एडजेक्टिव और एडवर्ब के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। देखिए 16 नंबर लिखा हुआ है शो ब्यूटीफुल, अगर कोई नाउन के पहले एडजेक्टिव रहे और एडजेक्टिव के पहले हाउ रहे, सो रहे, टू रहे या फिर एज रहे, ठीक है, क्या हम बोले हैं, यदि किसी नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के पहले हाउ, सो, टू या एज हो, तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव तथा नाउन के बीच करना है, ठीक है। अगर किसी नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के पहले हाउ, सो ऐसा कोई वर्ड हो, तो लगने वाला आर्टिकल उस एडजेक्टिव और नाउन के बीच का होगा, ठीक है। लेकिन 16 नंबर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि एडजेक्टिव है उसके पहले सो भी है लेकिन नाउन तो है नहीं, तो आर्टिकल का यूज कहाँ कीजिएगा, तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन यहाँ बताया गया कि आर्टिकल का यूज नाउन और एडजेक्टिव के बीच करते हैं, तो यहाँ आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। 17 नंबर क्या है, यूजफुल, ये भी बस एक एडजेक्टिव है, तो लगने वाला आर्टिकल तो लगेगा नहीं, क्योंकि एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, यहाँ कोई नाउन रहता है तो उसके पहले एडजेक्टिव, उसके पहले आर्टिकल लगाया जाता। अब है 18 नंबर इंक, इंक क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, जब आप किसी को गिन ही नहीं सकते हैं तो क्या ए और क्या है, इसमें कुछ नहीं होगा। इंक पेन, यह एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसको पढ़ते हैं इंक, प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, ई, जो कि ओ और आ के बीच का है, तो आर्टिकल ए एन का यूज करेंगे। 20 नंबर इंकपॉट, ये भी एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, प्रोनाउंसिएशन ई होता है, तो आर्टिकल ए एन। 21 है उर्दू पोएट, पोएट कैसा है, तो उर्दू का पोएट है, पोएट का एडजेक्टिव मतलब की तारीफ क्या है कि वो उर्दू पोएट है, तो ऊ हर्षऊ से हो रहा है, आर्टिकल ए एन लगा दीजिएगा। 22 नंबर है इम्प्लॉय, इम्प्लॉय प्रोनाउंसिएशन हर्षई से हो रहा है, तो आर्टिकल ए एन लगाएंगे। 23 नंबर है इम्प्लॉयज, जो कि प्लूरल है, प्लूरल के पहले आर्टिकल का यूज कभी नहीं करता है। देखिए 24 नंबर, जो कि इस चैप्टर का लास्ट, थोड़ी लास्ट नहीं है, 24 नंबर लिखा हुआ है वुडन बॉक्स, वुडन जो कि डब्ल्यू से है उच्चारण, तो यहाँ पे क्या लगेगा, आर्टिकल ए का यूज होगा। 25 नंबर क्या है, वन वे टिकट, वन, तो आप लोग समझे कि गिनती सूचक या संख्या सूचक शब्दों के पहले आर्टिकल ए या फिर एन का यूज करते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन वो हो रहा है जो कि आर्टिकल, सॉरी आर्टिकल बोल रहे हैं, ओ से लेके आ के बीच का नहीं है, इसी में हम लोग किसका यूज करेंगे, तो ए का
यूज करते नहीं है, एन का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो आ रहा है तो फिर ए का यूज करेंगे।